Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to RMS Academia with a new video. Please like and subscribe and click the bell icon to notify you every time I have a new video. Let's start with today's lecture with the remaining questions of exercise unit number one cell structure and function. So proceed with question number nine. And the question number nine is that. नेम द ऑर्गेनलीज ऑफ़ यू कैरटिक सेल एंड राइट द स्पेसिफिक फंक्शंस यानी कि ऐसे ऑर्गेनलीज के नाम बताएं जो कि यू कैरोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं यू कैरोटिक सेल आप सबको बेसिक पता होने चाहिए कि यू कैरोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है अब हमने ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनलीज है यानी ऐसे कौन से सब स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे मिलकर सेल बन रहा है और उनके क्या क्या फंक्शन है ठीक है तो ऑर्गेनलीज ऑफ यू कैरोटिक सेल क्या आपको नज़र आ रहा है कि आपने टेबल की फॉर्म में याद करेंगे तो दैट इज़ द ईजी वे फॉर लर्निंग तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले यूकेरटिक सेल होता ही वही है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो हम देखते हैं सबसे पहले ऑर्गेनली क्या आ जाती है न्यूक्लियस द ब्रेन ऑफ द सेल ठीक है ब्रेन ऑफ द सेल मीन्स कि इट इज प्रेजेंट इन इन सेंटर ऑफ द सेल इन एनिमल सेल्स एंड ऑन द साइड ऑफ द प्लांट सेल ब्रेन ऑफ द सेल द न्यूक्लियस डायरेक्ट द सेल एक्टिविटीज एंड कॉन्टेंट जेनेटिक मटीरियल क्रोमोसोम्स अप ऑफ डी एन ए बेसिकली आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है कि ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करवा रहा होता है कि कौन से मटीरियल ने सेल के अंदर इनसाइड आना है कौन से ने ट्रांसपोर्ट मतलब तो आउटसाइड जाना है ठीक है इसके अंदर जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं क्रोमोसोम्स और वो क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बना होता है डी एन ए डी एन एस ट्रांसफॉर डी ऑक्स वायरबो न्यूक्लिक एसिड नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली इज द माइट्रोकॉन्ड्रिया माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम बेसिकली एक और नाम भी देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि ये पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है मेक एनर्जी आउट ऑफ द फूड थर्ड वन इज द राइबोसोम विच हेल्प इन टू मेकिंग प्रोटीन्स फोर्थ वन इज द गोलगिया प्रेटर्स मेक प्रोसेस एंड पैकेज प्रोटीन लाइजोसोम्स मीन के डाइजेशन और सेल्फ ब्रीडिंग बॉडी सो इट कंटेन द डाइजेस्टिव इनजाइव टू हेल्प ब्रेक डाउन द फूड नेक्स्ट वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज आल्सो कॉल्ड द इंट्रासेलुलर हाईवे बिकॉज इट इज फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑल सॉर्ट ऑफ आइटम अराउंड द सेल क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ अटैच हुए भी होते तो हैं इनका काम क्या होता है कि सेल के साथ में मटीरियल है उनको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिरोटिक सेल इज़ वैक्यूल दैट इज़ हेल्पफुल फॉर द यूज ऑफ स्टोरेज वैक्यूज यूजली कॉन्टेन वाटर और फूड ठीक है ये सब चीज़ें जो थी जो अब तक हमने पढ़ ली एनिमल सेल में थी और प्लांट्स में भी थी लेकिन जो आगे हुए है, हैं प्लांट सेल के पास मजीद दो एक्स्ट्रा भी होती हैं जो एनिमल सेल में नहीं होती तो वो है क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल क्लोरोप्लास्ट क्लोरो मीन्स ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो क्या करता है यूज सनलाइट टू क्रिएट फूड वो अपनी खुराक ख़ुद बनाता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसेंथिस मीन्स के दिस आर प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट एंड ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर योर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ठीक है और लास्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनि है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है दैट इज द सेल वॉल इट प्रोवाइड्स द सेल सपोर्ट रिजिडिटी एंड और आप कह सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को जो है मेंटेन करने के लिए भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टेन व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स लिस्ट द स्ट्रक्चर मिसिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि अभी हमने पीछे बात की थी ना कि यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनि प्रेजेंट होती हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या आप पहले बताएं कि प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है और ऐसे कौन से स्ट्रक्चर हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दो सेल्स दैट डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस और मोस्ट दर सेल यानी कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होता और बहुत से ऑर्गे ऑर्गेनलीज भी नहीं होती ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ प्रोकैरियोटिक सेल आर यूनिसेलोर यूनि सेलोर होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं अब ऐसे कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कि मिसिंग होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में इनके पास डेफिनेट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता यानी कि जो न्यूक्लियस है उसकी प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती और इसका जो डिस है मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वो पूरे का पूरा डिस्पर्स यानी कि स्प्रेड किया हुआ होगा पे साइटोप्लाज्म पे इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है रेटिकुलम नहीं होता गोल्गी कॉम्प्लेक्स माइटोकॉन्ड्रियाल आइबोसोम न्यूक्लियोलस क्लोरोप्लास साइटोस्केलेटन यानी जितने भी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट थी वो इसमें नहीं है एटी राइबोसोम्स और फ्लाजेला सीलिया Which are made up micro ये भी नहीं है ये तमाम स्ट्रक्चर जो है प्रोकेर से मिसिंग होते हैं और प्रोकेर सेल्स होते कौन, किस, कौन कौन सेरोटिक सेल्स ठीक है ओके कंपेयर माइक्रोफिलास बताना है माइक्रोफिला तो सबसे पहले आपको पता चल रहा है माइक्रोफिला ही कि ये बिल्कुल स्मॉल होते हैं माइक्रो दोनों में माइक्रो माइक्रोमीन के स्मॉल है ठीक है स्ट्रक्चर इसका डबल हेलिक्स होता है जो कि ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर उसका हेलिकल लेटेस्ट होता है इनके साइज में क्या डिफरेंस है कि एक सेवन नैनोमीटर डायमीटर है माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो है वो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव नाइनोमीटर है कंपोजिशन यानी कि किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है मतलब दोनों मिलकर तो प्रोटीन से बने हुए होते हैं बट देर इज आर डिफरेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन माइक्रो एंड माइक्रोफिलाेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल इन माइक्रोफिलेंट कंपोज ऑफ अ कंटेक्ट्रायल प्रोटीन नोन एज एक्टिव वेयर इज अवब्यूल सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलज प्रेजेंट ठीक है इसमें so, जो सब यूनिट्स हैं यानी कि अल्फा एंड बीटा स्ट्रेंथ यानी कि इससे कितनी स्ट्रॉन्गनेस है स्ट्रांग है वीक है किस तरह के जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं और इनमें जो है वो स्ट्रॉग रेजिस्टिविटी होती है कि ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्सेस ठीक है और फिलामेंट जो है टेंसाइल तो फोर्स भी होती है दैट्स वाई इनकी स्ट्रेंथ जो है वो तो ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो ट्यूब्यूल्स और ये जो वो फ्लैक्सीबल थे तो माइक्रो ट्यूब्यूल जो स्टिफ होती हैं और रिजिस्ट बेंडिंग फोर्सेज इनमें प्रेजेंट होती हैं फंक्शन क्या होता है इनका माइक्रोफिलामेंट जो है वो स्मॉलर होते हैं और थिन होते हैं और हेल्प करते हैं सेल को के मूव करते हैं जबकि माइक्रोटोव्यूल का शेप तो दोनों की सेम होती है बट ये थोड़े से लार्ज होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है माइटोसिस यानी कि सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे होते हैं और बाकी ट्रांसपोर्ट फंक्शन मतलब ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहे होते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हमारे पास है कि वट ऑर्गेनलीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड डबल मेम्ब्रेन एंड लैकिंग एनी मेम्ब्रेन यानी कि ऐसे ऑर्गेनलीज के नाम बताएं या तो वो बिल्कुल सिंगल मेम्ब्रेन है उनके पास दो मेम्ब्रेन है और कौन सी ऐसी है जिनके पास मेमब्रेन नहीं है ठीक है सेल और और ऑर्गन सेल और वो ऑर्गन होती है जो के स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं ठीक है थीके? और उनके अंदर कोई मॉलिक्यूल और मेब्रेन हो जिनमें नहीं होती फिर उनमें लैक हो जाती है आप देखिए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड में पहले आपके पास होनी चाहिए सिंगल मेम्ब्रेन उसमें आपके पास आ जाते हैं लाइजोसोम परिसोम और वैक्यूल ये सिंगल मेम्ब्रेन है ठीक है डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास एंटोप्लाजमी रेटिकुलम गोल्गी बॉडी और न्यूक्लियस आ जाते हैं और वो ऑर्गेनिज जिनके पास मेम्ब्रेन होती ही नहीं है तो उनमें आ जाते हैं सॉरी राइबोसोम सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियोलस ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन ये है कि हाउस केलेटर हाउस साइटोस्केलेटन आर तो इम्पॉर्टेंट टू यू केरोटिक सेल यानी कि ऐसे सेल जिनके पास न्यूक्लियस होता है उनमें साइटोस्केलेटन क्यों इंपॉर्टेंट है यू केरोटिक साइटोस्केलेटन जो है वो एक नेटवर्क से मिलकर बना हुआ लॉन्ग नेटवर्क है थिन प्रोटीन फाइबर्स का उसके बहुत से फंक्शन है वो सेल की शेप को मैंटेन करवा रहा होता है उसने क्या काम क्या होता है इट होल्ड ऑर्गेनलीज ऑफ एंड फॉर सम सेल्स ठीक है उसने ऑर्गेनिव को भी होल्ड किया हुआ होता है और सेल की मूवमेंट में भी हेल्प कर रहे होते हैं और उनका क्या काम होता है कि इंट्रा सेलोर मूवमेंट में भी सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं ठीक है और थ्रेड लाइक प्रोटीन्स जो होती है इनकी कॉन्स्टेंटली जो है उनकी नीड्स जितनी मतलब जरूरत होती है सेल के अकॉर्डिंगली वो चेंज होती रहती है थ्री मेन का इनके के साइटो स्केलेटन होते हैं जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इनका ने डिफरेंस देखा था माइक्रोट्यूल एंड माइक्रो फिलामेंट्स का तो थर्ड इसमें जो आ जाती है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट है यानी कि जो दोनों के दरम्यान में प्रेजेंट होती है सपोर्ट के लिए ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आ जाए आप क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपके पास है कि कंपेयर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियो प्लाजम विद दैट ऑफ साइटोप्लाज्म मतलब आपने देखना है कि न्यूक्लियो प्लाजम जो होता है वो फ्लूड जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म वो होता है जो फ्लूड साइटोप्ला सेल में प्रेजेंट होता है ठीक है तो आपने देखना है इन दोनों की कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है न्यूक्लियो प्लाजम एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूड ग्राउंड सब्सटेंस है जो के कि मिक्सचर से मिलकर बना किसकी प्रोटीन के मिक्सचर से इंजाइम के फ्री न्यूक्लियोटाइड होता है कुछ मेटल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं तो इसी वजह से न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है साइटोप्लाज्म से ठीक है आप न्यूक्लाई एक्सप्लेन दैट न्यूक्लियोलाई आर द एरिया वेर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड ऐसे न्यूक्लियोलाई का बताएं जहाँ पर राइबोसोम्स इकट्ठे हुए हुए होते हैं द जीन्स दैट इंकोड राइबोसोमल प्रोटीन ऐसी जीन्स जो कि इनकोड करती राइबोसोमल प्रोटीन को वो ट्रांसक्राइब करती हैं आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियोलस यानी न्यूक्लियोलस के बाहर और यहाँ से वो एम आर एन ए को जील्ड करती हैं और ट्रांसलेट कर देती हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम में यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक रीजन में प्रेजेंट है ये राइबोसोमल प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोलस में फिर वहाँ जाकर ये कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म अ प्री राइबोसोमल पार्टिकल्स ठीक है बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर नम्... सिक्सटीन पे आ जाए ड्रॉ अ लेबल डाइग्राम ऑफ सेक्शन थ्रू अब आप लोगों ने जब चैप्टर डिटेल में पढ़ा हुआ है तो उसमें सारे स्ट्रक्चर आपने इनकी नीट एंड क्लीन डायग्राम इसी तरीके से बनानी है कि कहाँ पर इनके राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं और कहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है कहाँ इनर मेमब्रेन है वेयर इज़ द मैट्रिक्स बिल्कुल इसी तरह एज इट इज़ आप लोगों ने देख लेनी है कि डायग्राम आपको बहुत वे में बना कर दिखाई हुई कि हर चीज़ हर पार्ट उसका क्लियर है ठीक है अगर आपको इसमें से कोई भी बात कन्फ्यूजन हो या आपको किसी पार्ट का फंक्शन ना पता हो तो आप कमेंट्स में उसका पूछ सकते हो ठीक है ओके लास्ट क्वेश्चन हम आप नेक्स्ट टाइग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द बेल आइकन